अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आज मैं लामा इकबाल टाउन लाहौर की सब्जी मंडी में मौजूद हूँ। तो चलिए जानते हैं यहाँ पर थोक रेट में और परचून रेट में सब्जी किस कीमत पर मिलती है। इकबाल टाउन सब्जी मंडी में साथ ही फ्रूट मंडी है, जहाँ पर सब्जियाँ और फल होलसेल कीमत पर फरोख्त किए जाते हैं। इसके अलावा दिन का कुछ हिस्सा सब्जियाँ परचून रेट पर, जबकि सुबह 4 से 10 बजे तक होलसेल कीमत पर दी जाती हैं, जिसमें कारोबारी हजरात अपनी दुकानों के लिए सब्जियाँ खरीदने आते हैं। मंडी में आमतौर पर सब्जियाँ 3 दर्जों में तकसीम की जाती हैं और दर्जों के लिहाज से इनकी कीमतें भी मुख्तलिफ होती हैं। दर्जा अव्वल की सब्जी महंगी और दर्जा दोम और सोम की निस्बतन कम कीमत में फरोख्त होती है, जबकि दुकानदार ज़्यादातर मिक्स दर्जों को ही तरजीह देते हैं। रोज़ाना की बुनियाद पर तमाम दुकानदारों को नरखनामा पहुँचाया जाता है, जिस पर सब्जियों की कीमतें दर्ज होती हैं। थोक नरखनामे के मुताबिक होलसेल रेट पर, जबकि परचून नरखनामे के मुताबिक मोहल्ले के दुकानदार सब्जियां फरोख्त करते हैं। तो चलिए जानते हैं सब्जी फरोशों से मुख्तलिफ सब्जियों की कीमतों के बारे में। दर्जा अव्वल के हैं, दर्जा दोम के भी हैं। हाँ, पर 30 रुपए के। वो धड़ी कितने की है? वो 150 की धड़ी। अस्सलाम वालेकुम। अरबी का क्या रेट है? 100 रुपए। और ये टीने किस हिसाब से दे रहे हैं? ये 150 रुपए किलो, वो 80 रुपए। अंकल, आपने ये लहसुन और अदरक किस किस किस्म के रखे हुए हैं यहाँ पे? ये अदरक जो है ना, वो थाईलैंड से आ रहा है और सिंगापुर से आ रहा है। तो क्या क्या कीमत है इनकी, कितने में धड़ी दे रहे हैं? थाईलैंड का वो 900 रुपए किलो है, जो सिंगापुर से आ रहा है वो 700 रुपए। धड़ी कितने की होगी? 300 रुपए की और 45 रुपए। थाईलैंड का वो 45 रुपए, जो सिंगापुर है वो 35 रुपए है। तो ये इतना महंगा क्यों आप सेल कर रहे हैं? इससे हो रहा है, गवर्नमेंट टैक्स लगा रही है। कितना टैक्स देना पड़ेगा? और लहसुन की कौन कौन सी किस्म है? नाज़रीन, ये तो थी इकबाल टाउन सब्ज़ी मंडी की कीमतें, जहाँ पर सबसे महंगी लहसुन और अदरक की मुख्तलिफ इकसाम हैं, जिनमें अदरक थाईलैंड, सिंगापुर और लहसुन की इकसाम में देसी और लाल लहसुन हैं, जिन्हें मोहल्ले के ज़्यादातर दुकानदार ख़रीदने से कासिर हैं। तो चलते हैं लोकल मार्केट में, वहाँ सब्ज़ियाँ किस कीमत में फ़रोख्त की जा रही हैं। नाज़रीन, अब मैं मौजूद हूँ शादमान सब्ज़ी मार्केट में। तो चलिए यहाँ जानते हैं कि मंडी से कितने मुख्तलिफ रेट पर सब्ज़ियाँ बेची जा रही हैं। शिमला मिर्च का क्या रेट है? शिमला मिर्च 130 रुपये। और गाजर का क्या रेट है? गाजर 100 रुपये। अरबी का क्या रेट है? अरबी 140। इस पर तो 100 रुपये लिखी है अरबी, आप इतनी महंगी क्यों दे रहे हैं? मंडी में ऐसी मिल रही है ना, जो तो मंडी में है ना, मंडी में सौदे ऐसे मिलते हैं, जो रेट मंडी है ना, जब आरती ये बोली काटते हैं ना, उस वक्त ये रेट नहीं बनती, रिस्ट बन जाती है घर पे बैठ। हमें इस रिस्ट पे सौदा कोई भी नहीं देके दे सकता। तो कहते हैं रिस्ट पे सौदा बेचें, नहीं दे सकते हम सौदा, रिस्ट पे हमें मिलते नहीं है। 1200 रुपये तो अच्छे का खर्चा है, इधर 400-500 रुपये हमारा खर्चा है। 5-5 किलो सौदा लेके आते हैं, वो भी महंगा, मंडी भी महंगा। इधर कहते हैं जी रेट पे सौदा बेचें, कैसे बेचें हम रेट कि मैं 600 की 5 किलो, वो कहते हैं जी 600 भी लेके आए हैं, तो 600 ही बेचें। तो क्या वजह है कि लिस्ट के नरनामे के मुताबिक ना मंडी में सब्जियां बेची जा रही हैं ना मार्केट में? नहीं, मंडी में नहीं बेची जा रही, मंडी में कोई नहीं ना पूछ किछ कर, मंडी पे जाएं ये जो अफसर लोग हैं ये मंडी में नहीं जाते, मंडी वालों को नहीं पकड़ते कि भाई ये लिस्ट पे सौदा क्यों नहीं दे रहा, नहीं देते वैसे जाओ। अस्सलाम वालेकुम। असल टमाटर का क्या रेट है? 110। प्याज का क्या रेट है? प्याज का रेट 40। और आलू? आलू का रेट 70। तो ये मुख्तलिफ दर्जों के या एक ही दर्जे के हैं? ये एक दर्जे के है वैसे, लेकिन हम वो लेते नहीं आते, जो हल्का माल आते लेते हैं, अच्छे वाले लेते हैं। ये टमाटर भी देख लो कितना कितना बड़ा टमाटर है, ठीक है ना। तो ये अव्वल अव्वल का ये 110 रुपये का, हालांकि 110 रुपये भी हमने मारा नहीं था, लेकिन हम 110 रुपये किलो बेच रहे हैं। मंडी में कोई टैक्स वगैरह देना पड़ता है सब्जी लाने ले जाने के लिए? बिल्कुल देना पड़ता है, उधर पहले रखो 200 रुपये उसको दो जिसके पास रखना है, छापे वाला कुछ 100 रुपये वो लेता है फेरे का, उसके बाद रक्षा आ जाता है 1000 रुपये वो लेता है यहाँ आने का। अदरक का क्या रेट है? अदरक का रेट है 200 रुपये पाओ, 800 रुपये किलो। ये कौन सी किस्म है? ये चाइना का देसी वाला जो है, चाइना का बहुत अच्छा अदरक आता है। लहसुन का क्या रेट है? लहसुन का 350 रुपये किलो, 100 रुपये पाओ। ये कौन सी किस्म है? ये चाइना।
लहसुन की कीमत चाइना की तो लिखी नहीं हुई नामे पर, क्यों गई है? ये गवर्नमेंट तो सब्सिडी हमें दे ही नहीं रहे, हम अपने तौर पे लगाते हैं, अपने तौर पे। तो ये रेट आपने खुद से लगाया हुआ है? गवर्नमेंट का रेट है 350 में, 400 350 में। तो इससे बचत आपको कितनी हो रही है? यही होती है किलो मगर 15-20 रुपए किलो से बचत। नाज़रीन, मंडी में सब्जियां नरखनामे के मुताबिक ही दी जा रही हैं, जबकि लोकल मार्केट में कुछ सब्जियां मुख्तलिफ वजूहात की बिना पर नरखनामे से 20-30 रुपए ज़्यादा कीमत में बेची जा रही हैं। इनमें अरबी, लहसुन चाइना, शिमला मिर्च और अदरक चाइना है, जबकि मार्केट में इतवार को अक्सर हाथ से लिखे हुए नरखनामे रखवाए जाते हैं और इन पर अपनी मर्जी के रेट लिखे जाते हैं, जिनमें सब्जियों की कीमतें सरकारी नरखनामे से 40-50 रुपये तक बढ़ा दी जाती हैं।